गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड टू जीके आज हम रिवीजन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में मैं पूछूंगी आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन। द अर्थ इज द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर्स। ये लेसन मैंने पहले भी आपको कराया है तो आपको आना चाहिए। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। वाटर कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ हैज एयर ऑल अराउंड इट कॉल्ड द एटमोस्फियर। अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कोसेस डे एंड नाइट। द अर्थ इज टाइटल ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। ओके, चैप्टर 5 है द अर्थ आवर होम में। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ब्रैकेट में आंसर दिए जाएंगे तो आपको ये आना चाहिए। ओके, चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में सेलिब्रेशन, इसमें मैं आपको पिक्चर्स दूंगी। पिक्चर्स के नीचे आपको कौन सा फेस्टिवल है उसका नाम आपको लिखना होगा। ये पिक्चर्स देखो, फर्स्ट पिक्चर तो उसमें क्या है, रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन लिखना है। ये ओनम, तो ओनम की स्पेलिंग लिखनी है। ये क्रिसमस, फिर ये लोहरी, ईद, दशहरा, फिर ये गुरपुरब और ये दिवाली। ओके, स्पेलिंग सबको आनी चाहिए। ओके, फिर से मैं कराती हूँ। रक्षाबंधन, ओनम, क्रिसमस, लोहरी, ईद, दशहरा, गुरुपुरब और दिवाली। ओके, और नंबर 7 यानी कि चैप्टर 7 में टाइप ऑफ हाउस। आपने अलग अलग तरह के हाउस देखे होंगे। ये देखो, पहले तो ये कार है, बड़ी सी कार है, उसमें घर बना दिया है, आपने टीवी में भी देखा होगा। ये टेंट है, जो घूमने जाते हैं तो ऐसे टेंट आपने देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, सीरियल में देखे होंगे या लाइव देखे होंगे टेंट। ये बोट हाउस है, ये लकड़ी का बना होता है और बड़ी सी बोट में हाउस बनाया हुआ है। इसे हम इग्लू भी कहते हैं। ये बर्फ से बना है, ये बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ ऐसे हाउस बनाते हैं। ये हम रहते हैं ईंट पत्थर का हाउस, ये हम जो ब्रिक से सीमेंट से बना है जो हम रहते हैं वो हाउस। ये है जहाँ पे रेन बहुत गिरती है तो स्टिक और पोल से बनाया गया है। ये है ट्री हाउस। ट्री हाउस यानी कि पेड़ के ऊपर ऐसे हाउस छोटा सा बनाया हुआ है। और ये झोपड़ी है, तो ये विलेज में दिखाई देती है, ये मॉड और स्ट्रो से बनाई जाती है। ओके, चलो ये मैं आपको फिल मैच द फॉलोइंग में मैं आपको पूछूंगी तो आपको मैच करना है कौन सा घर कहाँ आएगा। दीज आर मेड ऑफ क्लोथ्स एंड आर यूज वाइल कैंपेनिंग आउटडोर्स। कैंपेनिंग आउटडोर्स, बाहर कैंपेनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे ये हाउस बनता है। तो क्या आएगा, बी, ये वाला। दिस हाउस इज फ्लोट ऑन वाटर के ऊपर। दिस हाउस इज फ्लोट ऑन वाटर, तो वाटर के ऊपर यानी कि ये वाला। ये बड़ी सी बोट है उसके ऊपर ये
क्या कहते हैं उसे, घर बनाया गया है लकड़ी का भी आता है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, तो इसे इग्लू कहते हैं। दिस आर स्मॉल हाउसेस ऑन व्हील्स, तो ये रहा बी ए आएगा। दिस हाउसेस आर बिल्ड इन एरियाज वेयर इट रेन्स अलॉट, दे आर बिल्ड ऑन स्टिक्स और पोल्स, तो एफ आएगा। दिस आर वुडन हाउसेस बिल्ड इन ट्री, तो वुडन हाउसेस ये रहा ट्री के ऊपर। पिक्चर देख के आपको मैच करना है। दिस हाउसेस आर मेड ऑफ मॉड एंड स्ट्रो एंड आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, तो जी आएगा। दिस हाउसेस आर कॉमनली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स, दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, तो ब्रिक्स और सीमेंट में ये ई आएगा। ओके, चैप्टर 8 लिविंग बींग्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैं आपको एग्जाम में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कोई भी पूछूंगी आपको आना चाहिए। हाउ मैनी टीथ डज एन एडल्ट हैव, एडल्ट यानी बड़े लोग के कितने टीथ होते हैं, तो 32। विच बर्ड यूजेस इट्स बीक टू स्मेल, कौन सा बर्ड है जो नाक से स्मेल उसमें आती है, तो कीवी। वॉट इज अ बेबी डियर कॉल, बेबी डियर के बच्चे को क्या कहते हैं, डियर के बच्चे को, तो फाउन। हाउ मैनी मिल्क टीथ डज अ चाइल्ड हैव, तो बच्चे को कितने हैं, आप लोगों को कितने टीथ है आप काउंट कर लेना कितने हैं, तो 20 आएगा। विच इज द टॉलेस्ट एनिमल, तो सबसे लंबा एनिमल कौन है, तो जिराफ। विच एनिमल लिव्स इन अ ब्यूरो, तो कौन रहता है दर में कौन रहता है, तो रैबिट। विच एनिमल प्रोटेक्ट्स इट्सेल्फ बाय गिविंग आउट अ स्ट्रांग अनप्लेजेंट स्मेल, तो स्टंग। व्हाट डज अ कैटरपिलर ईट, कैटरपिलर क्या खाता है, तो लीव्स यानी पान। विच इज द लार्जेस्ट एनिमल, लार्जेस्ट एनिमल क्या है, तो ब्लू व्हेल। विच बर्ड हंट्स फॉर फूड एट नाइट, तो आउल। ओके, चलो फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। चैप्टर 9 ग्रेट पीपल। मदर टेरेसा हेल्प द पुअर एंड द सिक एंड ऑलवेज वॉर अ वाइल्ड सारी विथ अ ब्लू बॉर्डर, तो जो सारी ब्लू सारी व्हाइट और बॉर्डर में बॉर्डर उनकी होती है ब्लू कलर की, तो वो सारी कौन पहनता है, और जो पुअर यानी कि गरीब और बीमार लोगों की सेवा कौन करता था, तो मदर टेरेसा। महात्मा गांधी इज ऑल्सो नो एज बापू, तो महात्मा गांधी जी को दूसरे नाम से बापू भी जाना जाता था। पंडित जवाहरलाल वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियाज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट वॉज प्रतिभा पाटिल, तो इंडिया की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट रह चुकी है प्रतिभा पाटिल। एम एस धोनी इज अ फेमस क्रिकेटर, तो फेमस क्रिकेटर एम एस धोनी हैं। लता मंगेशकर इज अ वेरी फेमस इंडियन सिंगर। रविंद्रनाथ टैगोर इज नो ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर हिज पोएट्री नोवेल्स एंड प्लेस। इनिद ब्लाइटन इज वेल नो फॉर हर चिल्ड्रंस नॉवेल। नरेंद्र मोदी इज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए आर रहमान इज अ फेमस इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर। फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रैकेट में आपको नेम दिए गए होंगे, आपको आने चाहिए। चलो चैप्टर 10 नो योर जियोग्राफी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, तो सन। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो 7। हाउ मैनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, तो ओशन कितने हैं, तो 5। वॉट आर हाई हील्स कॉल, तो वो हाई हील्स को हम क्या, जो बड़े से हील्स यानी कि पर्वत होते हैं, तो उनके क्या कहते हैं, माउंटेन्स। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, तो सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड,
तो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रिवर यानी नदी कौन सी है दुनिया में, तो नाइल। हाउ मैनी डेज डज द मून टेक टू गो राउंड द अर्थ, तो चंद्र को पृथ्वी के पास घूमने कितने टाइम लगता है, तो 28 days। हाउ मैनी डेज डज द अर्थ टेक टू गो राउंड द सन, तो 365 1/4, ओके 365 days 1/4। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलार सिस्टम, तो 8। विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट्स, तो एशिया, ओके आपको ये आना चाहिए। मैं फिर से आपको सिखाती हूँ, विच इज़ द स्टार इन अवर सोलार सिस्टम, तो सन। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो 7। हाउ मैनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, तो 5। वॉट आर हाई हिल्स कॉल, तो माउंटेन्स। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो नाइल। हाउ मैनी डेज डज द मून टेक टू गो राउंड द अर्थ, 28। हाउ मैनी डेज डज द अर्थ टेक टू गो राउंड द सन, 365 days 1/4। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलार सिस्टम, तो 8। विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट्स, तो एशिया, ओके